नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हालांकि आपको कितना इंटरेस्टिंग लगेगा वो तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, बट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, इलेक्शंस के समय और इलेक्शन के एक दिन बाद स्टॉक्स जो एक्शन में आए वो थे FMCG। तो सबने सोचा कि बाजार अब डर का माहौल बन रहा है, डिफेंसिव की तरफ फोकस है, जो लोगों के पास नहीं है वहां पे पैसा शिफ्ट हो रहा है वही चलेगा। FMCG स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से भागे, दो दिन भागे और तीसरे दिन गिरने लगे। लेकिन चौथे दिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम सभी ने देखा कि तूफानी रफ्तार से IT स्टॉक भागे। अब इसको भी क्या रिलेट किया जाए कि डिफेंसिव स्टॉक्स में मूवमेंट बन रहा है, तो पहले FMCG में बना वो नीचे आ गया, वापस से उतने तो नहीं आए बट थोड़ा बहुत करेक्शन आ गई है। अब IT में बन रहा है, क्या IT में भी FMCG जैसा ही हाल होगा या फिर IT में खरीदने का ही मौका है? तो मेरी तरफ से पहली कमेंट्री ये है कि FMCG और IT में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि FMCG में चुनिंदा नाम है जिनके क्वार्टरली अर्निंग्स बढ़ते हुए दिखेंगे और IT में मैक्सिमम नाम है जिनकी क्वार्टरली अर्निंग्स इंप्रूव होंगी, होते हुए दिख रही हैं। अगर FMCG की बात करें तो ये कंजम्पशन बेस्ड थीम है जो भारत के लिए सदाबहार है, क्योंकि हम एक बड़े लेवल पे पॉपुलेशन वाली जगह है तो ये चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग। लेकिन ग्रोथ अभी और ज्यादा स्पाइक नहीं कर रही है, कुछ ही स्टॉक्स में कर रही है, जैसे कि ब्रिटेनिया है, नेस्ले ने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहां अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो अभी हमें वहां पे उतना कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्टॉक्स हैं क्योंकि हम एक कंजम्पशन थीम है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो तेजी आई थी ये फुलफिल कर चुकी है जितनी भी करनी थी। यहां से IT की बात करें तो यहां बहुत सारे पॉजिटिव और प्लस पॉइंट हैं। पहला तो ये कि इन्होंने 2 साल का खराब फेज देखा है एक कारण के चलते, US में, UK में, यूरोप में इन IT कंपनियों का ना बड़ा कारोबार है दोस्तों। इनका मैक्सिमम रेवेन्यू ही बाहर से आता है, भारत ड्रिवन है ही नहीं है, भारत से इनका कामकाज है ही नहीं ज्यादा। तो जब उन कंट्रीज में रेसेशन की बात चली, आपको तो याद ही होगा 2022 जब रेसेशन की बात चल रही थी अमेरिका में, हालांकि आया नहीं, तो ये स्टॉक्स टूटे क्योंकि वहां पे पैसा ही नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास नौकरियां ही नहीं थी, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, तो लोग अपने IT स्पेंड को कम करते हुए देखे, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स पे आपने इम्पैक्ट देखा। हमारे देश के कंपनी की बात करें तो विप्रो ने तो 50% तक के एम्प्लॉयज की सैलरी तक रोक दी, तो बहुत लोगों ने तो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रोल करा, मानते नहीं मानते। अगर ग्लोबली जाएं तो एसेंचर आगे को लेकर गाइडेंस घटाता हुआ दिखा आपको। अभी भी अगर आप देखें तो एसेंचर ने गाइडेंस कुछ खास नहीं दी थी, खराब ही दी थी, स्टॉक भी टूटा था, लेकिन अब चीजें सुधर रही हैं, घूम रही हैं IT के लिए। पहले तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जंप आ रहा है। आगे के आउटलुक को बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट कर दिए, फेड भी अब प्रेशर में, आप ये मान लो कि सितंबर में रेट कर ही दो, बहुत हो गया, कुछ सब तो फेवर में है, ग्रोथ पूरी तरीके से टूट रही है, अगर रेट कट नहीं करोगे तो आपके देश में ग्रोथ तो बची ही नहीं, अब डी ग्रोथ और हो जाएगा, और इन्फ्लेशन भी आपके काबू में है, तो रेट कट की उम्मीदें पूरी पूरी बन चुकी हैं अब, जैसे और यूरोप में हो चुकी हैं, अब जैसे ही यूरोप के बाद अमेरिका में रेट कट होंगे तो इनके लिए बड़ा काम खुलेगा, तो यहां से ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं, चले भी नहीं है बड़े लंबे समय से। और इन कंपनीज की बात करें तो जो समय खराब देखा है ना आपने इन्वेस्टर्स ने, उस समय खराब समय में किसी बड़े इन्वेस्टर ने पोजीशन खाली नहीं बढ़ाई है, चाहे प्रमोटर्स हों या FIIs हों या DIIs हों, वो लेते ही गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि IT FMCG डिफरेंट केस है। FMCG में चुनिंदा नाम है जो अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन IT मैक्सिमम मेजर साइट पे मेरे को लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उनके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट है, आगे को लेकर आउटलुक अच्छा दिखता है, डील पाइपलाइन और सुधरेगी, अभी तो अच्छी है ही है। तो ये कुछ मेजर मेरी नज़रों में चीज़ें दिख रही हैं। अब IT में क्या पसंद है, दिग्गज में इन्फोसिस TCS टॉप पेट है, और इनके बाद है टेक महिंद्रा, ये भी काफ़ी पिटा हुआ है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और यूरोप से इनका ऑलमोस्ट 35% रेवेन्यू आता है, और यूरोप में सेंट्रल बैंक ने
रेट कट करें तो वो बेनिफिट देगा ही देगा। मिड कैप में टाटा एलेक्सा अच्छा लगता है, इनका भी 31% यूरोप यूके से रेवेन्यू आता है, और आपका मिड कैप में LTTS भी पसंद आता है, ये अच्छे स्टॉक लगते हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो मैं इतना फोकस करता नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ ध्यान में है ही नहीं, तो मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूँगा। लेकिन टॉप क्लास नेम की बात करें तो IT पे ज़रूर नज़र बना के रखिए। अब यहाँ से IT का समय शुरू होगा और 2 साल तो मिनिमम चलेगा। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी पूरी की पूरी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।